Hello dear students, welcome in the online practical session of subject basic physics. I am Pranali Lade, lecturer in NIT Polytechnic College, Nagpur. Today we are going to study experiment number 7 of subject basic physics. The aim of our today's experiment is to study VI characteristics of PN junction diode in forward bias. Okay, यहाँ पर हम क्या देखेंगे? VI characteristics देखेंगे इसके PN junction diode के, ठीक है? PNA आपको theory में पढ़ाया जाएगा. सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स होते हैं बेटा, ठीक है? पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर. देन व्हाट इज मीन बाय डायोड? डायोड इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस. डायोड क्या है? डायोड इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस विद टू टर्मिनल्स. डायोड को कितने टर्मिनल्स होते हैं? टू टर्मिनल्स. फ्लोविंग ऑफ करंट इन ओनली वन डायरेक्शन. डायोड में से करंट क्या होता है? ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो होता है. एंड फॉरवर्ड बायस मीन्स क्या होता है? व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी साइड एंड निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड, द डायोड इज सेड टू बी अ फॉरवर्ड बायस. ओके, इन दिस एक्सपेरिमेंट वी यूज एपरेटस वोल्टमीटर, जिससे हम वोल्टेज मेजर करेंगे. एमीटर, एमीटर से हम करंट मेजर करेंगे. रेजिस्टेंस, पावर सप्लाई, पीएन जंक्शन डायोड की थे हमारे पास, वो यूज करेंगे और कनेक्टिंग वायर्स. द सिंबल ऑफ डायोड इज, देखो यहाँ पर ये क्या है, दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड, एनोड एंड कैथोड, ठीक है? दिस इज एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट. डायोड में से करंट क्या होता है? ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो होता है. ओके बेटा, नाउ द सर्किट डायग्राम. ओके, सर्किट डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस. ओके, this is the power supply. It has two terminal, positive terminal and negative terminal. This is the voltmeter. Voltmeter have also a two terminal, positive and negative terminal. This is the milliammeter. This is the silicon diode. यहाँ पर हम कौन सा diode use करेंगे? Silicon diode. This is load resistance and ये arrow दिख रहा है बेटा? This is arrow. This is the direction of current. Okay? यहाँ पर देखो, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस डायोड. ओके, देन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर. अगेन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर इज कनेक्टेड टू लोड रेजिस्टेंस and one terminal of resistance is connected to the negative terminal of the power supply. Okay, now this is a kit of PN junction diode. Okay, this is a voltmeter. Okay, आप देख पा रहे हो बेटा, this is a voltmeter. The range of voltmeter is 0 to 1 volt. 0 to starting from 0 to 1 volt. Okay, it have a two terminal, positive terminal and negative terminal. Okay, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर ये जो voltmeter का least count है 0.2 volt. Means यहाँ की एक division कितनी है? 0.2 volt की. Okay, ठीक है? This is a micro ammeter. हम यहाँ पर ये दोनों का ही यूज करेंगे, मिली एमीटर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है? This is a micro ammeter. With the use of micro ammeter, we can measure the current. Okay? It have also two terminal, positive terminal
एंड निगेटिव टर्मिनल. द रेंज ऑफ माइक्रोमीटर इज 0 to 100 डिवीजन. यहाँ पर कितने डिवीजन है बेटा? 0 to 100. ओके, यहाँ पर एक डिवीजन कितने की हो गई? 1 माइक्रोमीटर की हो गई. ओके, ठीक है. दिस इज अ डायोड. मैंने आपको जो सिंबल दिखाया था, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डायोड एंड दिस इज द निगेटिव टर्मिनल ऑफ डायोड. ओके, दिस इज द आउटपुट वोल्ट, मीन्स ये है बैटरी सप्लाई. ओके, दिस इज ऑन एंड ऑफ स्विच. ये देखो, हम इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से ये जो बटन दिख रही है इसे हम क्या कर सकते हैं? करंट और वोल्टेज इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, मीन्स यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, करस्पॉन्डिंग करंट को हम क्या करेंगे? वैरी करेंगे. ओके बेटा, नाउ द सर्किट कनेक्शन. ठीक है, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डायोड. ओके, ये क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डायोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. देख पा रहे हो, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डायोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. ओके, नाउ द निगेटिव टर्मिनल ऑफ डायोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ माइक्रो एमिटर. ओके, देन द निगेटिव टर्मिनल ऑफ निगेटिव टर्मिनल ऑफ माइक्रोमीटर इज कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. ओके, नाउ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड द निगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. दिस इज द सर्किट कनेक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस, क्योंकि हम ये फॉरवर्ड बायस देख रहे हैं. ओके बेटा, ठीक है, आपको समझ में आया? अभी हम क्या लेंगे? रीडिंग लेंगे यहां पर. ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे? वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे. ठीक है, और करस्पॉन्डिंग करंट को क्या करेंगे? मेजर्ड करेंगे. नाउ द ऑब्जर्वेशन टेबल, द लीस्ट काउंट ऑफ वोल्टमीटर इज 0.02 वोल्ट. मीन्स यहां पर एक डिवीजन कितना होगा बेटा? 0.02 वोल्ट. ओके, ठीक है, और लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर, ये देखो माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर में हम रीडिंग लेंगे, तो इसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 डिवीजन, 1 माइक्रो एम्पियर की. ओके, नाउ द फॉरवर्ड वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज को हम इंक्रीज करेंगे, करस्पॉन्डिंग हम करंट को क्या करेंगे? वैरी करेंगे. ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर हमने कौन सा डायोड यूज किया है? सिलिकॉन डायोड. तो सिलिकॉन डायोड में करंट कब इंक्रीज होता है? जब तक हम 0.5 इसको वोल्टेज नहीं देते, तब तक करंट क्या नहीं होगा? इंक्रीज नहीं होगा. मीन्स ये यहाँ पर देखो 0.2, जब तक मीन्स 0.5 से इंक्रीज नहीं होगा, तब तक करंट क्या? इंक्रीज नहीं होगा. ठीक है, नाउ द फर्स्ट रीडिंग, यहाँ पर देखो बेटा, ये है 0. ठीक है, यहाँ पर 0 पर रीडिंग कितनी है? 0. ठीक है, यहाँ पर ये नोट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बढ़ाएंगे. ठीक है, ठीक है, 0.1 वोल्टेज हमने कितने से बढ़ाया? 0.1. 0.1 पे भी करंट कितना आएगा? यहाँ पर कितना है करंट? 0 है. ठीक है, 0 0. ठीक है, नाउ अभी हम इसको लेके जाएंगे, नाउ अभी हम इसको लेके जाएंगे 0.2 पे. ठीक है, 0.2 आपको देख पा रहे हो बेटा, ये 0.2 है, तो करंट भी आप पर कितना है? 0. ठीक है, करंट भी कितना है? 0. 0.2 पे कितना है करंट? दिस इज आल्सो 0 0. नाउ अभी हम इसको इंक्रीज करेंगे 0.3 पे. ठीक है, 0.3 पे भी करंट कितना है? 0. 0.3 करंट कितना है? 0 0. ठीक है, नाउ द 0.4 है. ठीक है, 0.4 पे देखिए करंट कितना है? 0 है. अब
अभी हम इसको इंक्रीज करेंगे 0.5 के ऊपर, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर देखो करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 1 डिवीजन 2 डिवीजन। ओके 2 डिवीजन मीन्स कितने हो गए यहाँ पर, 1 डिवीजन कितने की है, 2 की, ठीक है। ठीक है, अभी देखो बेटा यहां पर हम कितने लेके जाएंगे, 0.6 के ऊपर, ठीक है। 0.6 के ऊपर करंट कितना है यहां पर देखो, 40, ठीक है। 0.6 के ऊपर क्या हो रहा है, ये हो गया 40, मींस करंट क्या हो रहा है, रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अभी हम इसको लेके जाएंगे 0.7, ओके 0.7 में करंट कितना आ रहा है देखो, 80 के बाद और 3 लाइंस है, ठीक है। 3 मींस कितना हो गया, 86 हो गया, 86 यहाँ की 1 डिवीजन 2 की है बेटा, ठीक है। अभी हम इंक्रीज करेंगे 0.8 के ऊपर, ठीक है। करंट कितना आ रहा है, 100, ओके 0.8 करंट कितना आ रहा है, 100 रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद 0.9 पे भी क्या है, करंट 100 ही आ रहा है, 100 के ऊपर आ रहा है, ठीक है। नाउ ठीक है 100 के ऊपर, यहाँ पर देखो बेटा ये स्केल आउट ऑफ स्केल जा रही है, मींस यहाँ पर भी हम कितना लिखेंगे, 100 ही लिखेंगे, ठीक है। मींस यहाँ पर देखो जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वो भी करंट कब इंक्रीज हुआ, जब हमने 0.5 वोल्ट जब वोल्टेज दिया, दैट टाइम करंट क्या हो गया, रैपिडली इंक्रीज हो गया, ठीक है। नाउ बेटा ग्राफ, ओके दिस इज द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस यहाँ पर देखो ये एक्स एक्सिस है, वहां पर हमने क्या लिया है, वोल्टेज, ओके ठीक है वोल्टेज। और यहाँ पर है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में हमने क्या लिया है, करंट, करंट हम डिनोट करते हैं आई से। एफ किसके लिए है, क्योंकि हम ये फॉरवर्ड करंट के लिए हम ग्राफ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बेटा ये 0 ये रीडिंग्स है, ठीक है, 0.1 0.2 0.3, ठीक है, एंड दिस इज द करंट, ओके। तो पहली रीडिंग कितनी है अपनी, 0 के लिए, 0.1 के लिए 0 है, ठीक है, तो हमने यहां पर दिया, ठीक है। 0.2 के लिए भी कितनी है, 0 है, आपको ऑब्जर्वेशन टेबल देखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। 0.3 के लिए कितना है, वो भी 0 है। उसके बाद 0.4 के लिए भी कितना है, 0 है, लेकिन 0.5 के लिए कितना है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दे देंगे, ठीक है, 4 मीन्स करंट यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 0.6 के लिए कितना है, 40 40, ठीक है। 0.6 के लिए कितना है, 40 है, तो ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, 0.6 के लिए यहाँ पर आ जाएगा 40, ठीक है। उसके बाद 0.7 के लिए कितना है, 86, 0.7 के लिए कितना है, 86 यहाँ पर, ठीक है, 0.6 के लिए ये 86 80 के बाद, ओके ओके ठीक है। 0.8 के लिए कितना है, 0.8 के लिए आ रहा है 100, ठीक है, यहाँ पर 0.8 के लिए कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। मीन्स अपना ग्राफ कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पर अपना ग्राफ ऐसे हो जाएगा, करंट क्या हो रहा है, रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ओके। इसका हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। ये 2 पॉइंट का हम स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। एक्स हो गया, दिस इज एक्स वन एंड दिस इज एक्स टू, दिस इज वाई वन एंड दिस इज द वाई वन एंड दिस इज वाई टू, ठीक है।
अपना स्लोप का फार्मूला है, स्लोप इज इक्वल टू y2 टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। ओके, y2 कितना है? दिस इज 100 माइनस 86 डिवाइडेड बाय x2 कितना है? 0.8 माइनस 0.7। ओके, ठीक है, अभी हम इसको कैल्सियम में डालेंगे। ठीक है, देखो कैल्सियम में हम एंटर करेंगे। ठीक है, 100 स्लोप निकालना है, 100 माइनस 86 डिवाइडेड बाय 0.8 माइनस 0.7 इज इक्वल टू, ठीक है, कितना आ गया? 140। देख पा रहे हो? यहां पर देखो बेटा, हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 7